अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इधर हो रही है जी नाश्ते की तैयारी। हम लोग बना रहे हैं सैंडविच। दूध बचिया कराया गया और इसका दूध साड़ चुका है। दूध न साड़ दिता ही नहीं मेरा दूध साड़ के। और गाइस ये मिल्क रिड्यूस हो चुका है। उसका कहने का मतलब ये है दूध मेरा साड़ दिता सू। परेशान क्यों नहीं है दूध है भी और डिब्बा लिया और डाल लो। अच्छा जी तो देखे साथ साथ मजाक भी चल रहा है और इधर बन रहे हैं सैंडविच। ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार सैंडविच बनते हैं। आप भी ट्राई करें खाएं और बनाएं। बनाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। जी एडजस्ट करना सीखें अपने ज़िंदगी में कैसे करते हैं। इसको क्या किया है? क्या इसको अंडे के अंदर डिप किया है? ये क्या है? इसको कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया तो ये क्या लिक्विड लिक्विड इसके साथ लगा हुआ है? उधर किधर पड़ा था ये? इधर पड़ा था ये। फिर अंडे होगा। अच्छा जी इधर हो चुकी है सुबह। सुबह का खैर 10:30 बज चुके हैं। आज हम लेट उठे हैं ज़रा। बच्चे जो है छुट्टी थी और इसलिए ये जाए एक टिशू लेके आए। दांत क्या निकाल देंगे? पापा को देख के ये भी नहीं है नाश्ता। हस्बैंड मेरे इधर खड़े हैं मेरे सर पे कि उन्होंने लेट हो रही है और जाना तो उन्होंने कहीं 1-2 बजे है। ये मर्द कर्मा वाले हमेशा ही जल्दी मचाए रखते हैं। दे दीजिए नाश्ता आज 5 घंटे में मिलेगा। नहीं नहीं आपको अभी मैं देने लगी। देखिए आपके लिए मैंने मज़ेदार से सैंडविच बनाए हैं। लोगों ने कहना है इसमें इतना ऑयल है। जले हुए सैंडविच? नहीं नहीं जले ऐसे भी ना करें आप। अच्छा आज मिलेगा या कल मिलेगा? शबनम बोली है और डालें इसके अंदर ले लो। देखें हर देसी घर की यही कहानी होती है कि सुबह सुबह उठ के ना यही आवाज़ें आ रही होती हैं। बेगम चाय दे दो, बेगम नाश्ता दे दो, कब दोगी? तो जी हमारा भी यही हिसाब है। हाथ ना जला लेना। ये अक्सर ही मेरी बहन हाथ जलाती रहती है। अक्सर इसके हाथ जले होते हैं। कभी ऑयल गिर जाता है कभी कुछ गिर जाता है। लास्ट टाइम तो किधर जला था? निशान ही कोई नहीं। निशान चला गया इसका हाथ जल गया और जो मेरी मुमानी है उन्होंने तो फिर इसको नीचे नहीं ना पाँव रखने दिया ज़मीन से। फौरन से इसको लेके वो हॉस्पिटल चली गई। अच्छा जी ये तो था मजाक लेकिन वैसे हकीकत में भी उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। मेरी मुमानी जो हैं मामू माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे हैं। उसकी शादी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। हालांकि रहते भी वो एक साथ हैं। ये भी नहीं कि कोई अलग-अलग रहते हैं लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा उनका टाइम गुजर रहा है और हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि हमने उसका रिश्ता जो है वो अपने मामू के घर किया है। और अल्लाह ताला हर किसी को अपने अपने घर खुश और आबाद रखे। अच्छा जी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपकी बहन अभी तक इधर ही है, आपकी सिस्टर गई नहीं वापस? तो देखें जी जाने वालों ने चले ही जाना होता है, कितनी देर भी कोई रह सकता है आपके साथ। मैं ये जो वीडियोस हैं ना ये जो क्लिप्स हैं ये थोड़ी देर पहले के हैं और फिर आपके क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं उन पर वीडियोज़ बना रही थी इसलिए ये वाले जो क्लिप्स हैं ना ये ज़रा लेट हो गए हैं मुझे शेयर करने में। तो चलें आज आप देखें फिर पैकिंग पैकिंग हो रही है और आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितना सैड कर देने वाला लम्हा होता है ना जब आपके अपने जा रहे होते हैं आपसे दूर और जब आ रहे होते हैं तब तो खुशी की इंतहा ही ना होती लेकिन जब वो फिर जा रहे होते हैं तो फिर। और मेरी तो तबीयत ऐसी है ना कि नेचर के जब फिर कोई जाता है ना तो मैं बाद में भी कितनी देर उदास रहती हूँ। मुझे ठीक होते होते अपनी लाइफ में वापस आते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। मेरी ऐसी नेचर है तो ऐसी नेचर नहीं होनी चाहिए। बस जल्दी जल्दी भूल देने वाली नेचर होनी चाहिए कि भूल जाएं बातों को। अच्छा जी इधर देखिए थोड़ा थोड़ा करते भी कितनी ढेर सारी शॉपिंग हो गई है और बस लड़कियों की ऐसी ही होती है शॉपिंग को थोड़ी थोड़ी करते भी इतनी चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर हमने अलहदा से बुकिंग करवाई सामान की क्योंकि लोकल फ़्लाइट में तो आप 10 kg से ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते। वो भी उन्होंने आप छोटे छोटे उसे वो बैग कर दिए हुए हैं और उनमें ही आपने सामान लेके जाना है। और फिर एयरपोर्ट पे कई दफ़ा वो कहते हैं कि इन बॉक्सेस में डालें कि आपका सामान इसमें आता है या नहीं आता, मेजरमेंट करते हैं वो। तो सामान तो फिर ज़्यादा हो ही चुका था, हमें भी पता था तो हमने फिर अलग से बुकिंग करवा ले के चले सामान बुक हो जाएगा।
और इधर ऑलमोस्ट जो उसकी पैकिंग है ना वो डन हो गई थी, और इंशाल्लाह सुबह का व्लॉग जो होगा ना वो होगा ट्रैवल व्लॉग। तो बहुत शुक्रिया आप सबका इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और आपने ये भी याद रखा कि उसकी बहन अभी तक किधर है। अच्छा जी, सामान ज़्यादा होने के जैसे देखें आप ज़रा इस क्या हालत हो गई है। तो 20 kg ही की बुकिंग हमने करवाई हुई थी, ज़्यादा मतलब कि आप बुक करवा सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं। तो चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके बैग जो है वो फिर सूटकेस बंद हो ही गया था। ये हमेशा का ही मसला होता है, जब भी कहीं जाना होता है ना तो सामान ज़्यादा हो जाता है। तो पैकिंग जो है वो फाइनली जी डन हो गई है, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।